वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव ढींगड़ा एंड गाइस आज हमने आपके साथ शेयर किया कंप्लीट बैक वर्कआउट फॉर बिगिनर एंड इंटीमेटर। इट्स वीक टू एंड डे थ्री। सो फर्दर विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक यू बी स्ट्रांग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। तो भाई सबसे पहले हम करेंगे अपने आप को स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। आप देख सकते हैं अपने शोल्डर को मैं रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए गाइस अब मैं अपनी बैक को स्ट्रेच करूँगा अपने लैट्स मसल को। ये देखिए गाइस अपनी सेकंड हैंड को अब अपनी एल्बो को गार्ड गाइस मैं कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस गाइज अपने जॉइंट्स को ओपन करना डेली बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए आप वर्कआउट बहुत टाइम से कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, आपको डेली करनी चाहिए। आपको 5 साल से 10 साल होगा, आपको डेली स्ट्रेच वार्म अप करना ही है। तो भाई ये देखिए अब अपने हाथों को ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कड़छी घुमाते हैं ना गाइज वैसे हाथ पूरा शोल्डर को रोटेट करना है गाइज, पूरा ओपन करना है। अब हम लगाएंगे पुलअप्स गाइज। बैक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज और वार्म अप है पुलअप्स। ये देखिए गाइज मेरे लेग स्ट्रेट है गाइज। कई लोग उसमें नीज को बैंड करके ना झटके मारते हैं गाइज, झटके नहीं मारने, बिल्कुल स्ट्रेट अपने हाथों को जोर लगा के अपने आप को ऊपर उठाओ, आपके बैक पे असर आएगा। ये देखिए गाइज। तो चलिए गाइज अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज सीटेड रो। तो गाइज सीटेड रो मशीन मिल जाती है आप जिम में, अलग तरह की होती है हर जिम में गाइज। तो आपके जिम में जोन से भी मशीन है सीटेड रो की, आप वो वाली मशीन कीजिए। पीछे स्क्वीज करना मसल को, आगे स्ट्रेच। ये देखिए स्ट्रेच, ये स्क्वीज। ये गाइस देखिए स्लो ले जा रहा हूँ आगे, स्ट्रेच किया, पीछे स्क्वीज एंड रोकना मसल पे गाइस। ये देखिए जितनी देर गाइस पीछे मसल कंडक्शन रहेगा ना, होल्ड स्क्वीज रहेगी, उतनी ही मसल ग्रोथ होगी गाइस आपकी, उतना ही फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे, उतने ही वर्कआउट के बाद आपके जॉइंट जुड़ेंगे, फाइबर्स एंड ग्रोथ होगी आपकी मसल्स की। ये देखिए गाइस प्राइज हम करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज अंडर हैंड ग्रिप LPD। लाइक हम लास्ट टाइम जो की थी वो अपर हैंड थी, अब मेरी ग्रिप देखिए गाइस अंडर हैंड ग्रिप है, वही चेस्ट के पास लाना है। ये देखिए गाइस गाइस छोटी छोटी हमारी ग्रिप्स का बहुत फर्क पड़ता है मसल के ऊपर। जो हमारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं गाइस, जो मड़ी मसल हैं, छोटी स्पोर्टिंग मसल होती है, उनको ट्रेन कर पाते हैं हम अपनी ग्रिप के थ्रू, ग्रिप को चेंज करने से। ये देखिए गाइस स्लो ऊपर स्ट्रेच नीचे स्क्वीज। ये देखिए ऊपर स्लो गया, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट गाइस। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है हाई पुली रो गाइस। हम हर जिम में ऐसी मशीन आपको मिल जाएगी, जो बार है ना हाथ में, हाथ में देखिए गाइस। ये देखिए गाइस हर जिम में होती है, हर एक जिम में गाइस, छोटी जिम हो चाहे बड़ी जिम हो गाइस, हर जिम में मिल जाती है। इसे बोलते हैं हाई पुली रो करेंगे। ये देखिए गाइस होल्ड रखा, ऊपर स्ट्रेच नीचे स्क्वीज, स्लो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, झटके नहीं मारने गाइस, वेट उतना ही नहीं जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये देखिए गाइस। सो गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, ये है बेंट ओवर रो अंडर हैंड ग्रिप गाइस। हम लास्ट 2-3 टाइम से हम जो की है अपर हैंड ग्रिप थी, अब मेरी ग्रिप देखिए गाइस अंडर हैंड ग्रिप है। हमने LPD भी अंडर हैंड ग्रिप थी, आज हम ये भी अंडर हैंड ग्रिप कर रहे हैं। ये देखिए गाइस झटके नहीं मारा, मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, चेस्ट आउट है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, हल्की सी नीज बैंड और नीज से हल्की सी बैंड लेके जानी है रोड। सो गाइस अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है पुल ओवर, हम डिक्लाइन बेंच पे करेंगे। ये देखिए गाइस जो बेंच है जिसमें हम चेस्ट करते हैं डिक्लाइन, वो डिक्लाइन बेंच है। हम प्लेट के साथ कर रहे हैं, आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो गाइस। मैं प्लेट के साथ कर रहा हूँ, ऑल द वे डाउन गया स्ट्रेच। ये ऊपर गाइस स्लो बिल्कुल गाइस, झटके नहीं, बिल्कुल आराम से हर एक रैप को गाइस आपने से फील करना है कि आप पे को जोर आ रहा है हर एक रैप को। ये नहीं कि आपको 10 रैप बोले, आपने 10 रैप की आपका ध्यान कहीं और। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, फैला दो अपने दोस्तों में आग की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइड और राधे राधे।